हेलो हेलो, ये सिर्फ आगाह करने के लिए था, अगली बार गोली निशाने से नहीं चुकेगी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जीजा जी, क्या हुआ? इतने घबराए क्यों? जीजा जी, अभी अभी घर आते वक्त मुझ पर हमला हुआ, गोली चली है। क्या तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ जीजा जी, निशाना चूक गया उनका, या फिर शायद जानबूझकर। एक सेकंड, मैं अभी कंट्रोल रूम में फोन करता हूँ। क्या हुआ था ये हमला? नहीं नहीं जीजा जी, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्या, क्यों? लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, परिवार का नाम बदनाम होगा। क्या, क्यों, कैसे, रहने दीजिए। तुम्हें किस पर शक है? शक तो है मुझे, अब आपसे कुछ छुपा थोड़ी है। क्या पता इस सबके पीछे किसी अपने घर वाले का हाथ हो। खबरदार, वहीं खड़ा रहे। डैड, जो आप समझ रहे हैं, डैड चल निकल बाहर, हमारे लिए मर चुका है। चल निकल बाहर। ऋषि, तुम कब आए और क्या बातें चल रही है दोनों में? अभी अभी। अरे दी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस के छोटे मोटे मसले। डैडी जी का फोन आया, अब तक तो वो पहुंच गए होंगे ना? अरे हाँ, डैड ने कहा था पहुंचकर कॉल करेंगे, अब तक तो कॉल आ जाना चाहिए था उनका। एक बार फोन कर लो, मुझे चिंता हो रही है। हाँ मैम, करते हैं। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, आउट ऑफ रीच आ रहा है उनका फोन। इनफ, मैं होटल में पता करता हूं। हेलो रियो रिसोर्ट, देखिए आपके होटल में मिस्टर और मिसेस केदार मेहरा के नाम की बुकिंग हुई है, मेरी बात हो सकती है उनसे प्लीज? ओके, आई विल वेट। व्हाट? ओके, क्या हुआ? होटल तो उन्हीं के नाम से बुक है, लेकिन अभी तक चेक इन नहीं किया उन्होंने। क्या, ये कैसे हो सकता है? How is that possible? Oh God, I hope they're fine. One minute, मैं कुछ करता हूँ। Please. हेलो, शिमला पुलिस स्टेशन। सीनियर ऑफिसर राज चौधरी बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी जनाब। देखिए, मेरे सास ससुर मिस्टर केदार मेहरा और मिसेस कुसुम मेहरा आज सुबह शिमला के लिए रवाना हुए, और अभी तक उनके पहुंचने की खबर नहीं है, उनका फोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा है। चिंता मत करो जनाब, मैं अभी अपनी फोर्स को इत्तला करता हूँ। सर जनाब, अगर उनकी कुछ डिटेल्स मिल जाती तो। ओके, आपके पास अगले 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी जनाब। पापा का कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है। इंस्पेक्टर क्वात्रा का फोन है शिमला से। हाँ इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? सॉरी जनाब, मिस्टर और मिसेस मेहरा का तो अभी तक पता नहीं चला है, पर एक सुराग हाथ लगा है। क्या? वो जनाब, आपने बताया था कि आपके सास ससुर शिमला के लिए निकले थे। हाँ तो? तो जनाब, हमें चेक पोस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो गाड़ी जो शिमला के लिए जा रही थी वो तो पंचकुला की तरफ मुड़ गई है सर। क्या? ओके, तुमने पंचकुला की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया? जी जनाब, मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं।
जैसे वो गाड़ी पंचकूला में दिखाई देगी उसको जब्त कर लिया जाएगा और उस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया जाएगा। गुड, आप लोग अपनी तलाश जारी रखिए और कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें बताइए। ओके जी जनाब। जी जारी। हाँ, कैसे पहुंच गए? यस इंस्पेक्टर। जनाब अभी अभी पंचकुला पुलिस स्टेशन से कॉल आया है, गाड़ी इंटरसेप्ट हो गई है और उस ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया। और मेरे सास ससुर? सॉरी जनाब, वो गाड़ी में नहीं थे। नहीं थे? क्या मतलब? ड्राइवर के मुताबिक वो दोनों चंडीगढ़ में उतर गए थे। व्हाट? चंडीगढ़ में? जी जनाब, ड्राइवर के मुताबिक मिस्टर मेहरा की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, दोनों ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा और फिर कुछ देर खुली हवा में टहलने के लिए निकल गए और फिर जनाब वापिस नहीं लौटे। व्हाट रबिश। ओके ठीक है, ऐसा कीजिए आप उस ड्राइवर को हिरासत में रखिए, मैं आकर उगलवाता हूँ उससे सारी सच्चाई और आप चंडीगढ़ में भी अपनी तलाश जारी रखिए। ओके जी जनाब, चंडीगढ़ पुलिस को इत्तला कर दी गई। ओके एंड स्टे अलर्ट। क्या हुआ? मम्मी जी और डैडी जी का कुछ पता नहीं है लेकिन उस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। यहाँ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। जी जारी, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। रेवा, मेरा सामान पैक करो। रेवा, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। ओके, तो हम सब लोगों को कल सुबह यहाँ से निकलना होगा। जनाब, मैं पंचकुला पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर सरन बोल रहा हूँ जी। जनाब आप जल्दी यहाँ पहुंच जाएं। ओके ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। आजा बे, ताऊ आ गया। सीनियर ऑफिसर राज चौधरी। इंस्पेक्टर थरन। यस। आप मम्मी जी? मम्मी जी बेटा बस ठीक तो है मम? क्या हो गया मम? मॉम, डैड का है मॉम? मॉम, डैड का है? क्या बताऊं बेटा? सफर लंबा होने की वजह से तेरे पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। हाँ? उन्होंने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और पान लेने चले गए। जब काफी टाइम नहीं आए इंतजार कर करके मैं उन्हें ढूंढने के लिए चली गई। पहले जो अपोजिशन थे भाई साहब। हाँ जी। आपने किसी बुजुर्ग को देखा? वो लंबे से टोपी पहनी हुई, सफेद दाढ़ी, छोटी छोटी सी। नहीं बहन जी, हमने तो ऐसे बंदे को देखा जी नहीं। अरे वो पान लेने ही तो आए थे आपके पास। वो नहीं बहन जी, हमारे पास तो नहीं आए वो। पता नहीं कहाँ चले। भाई साहब, आपने किसी बुजुर्ग को देखा? वो लंबे से टोपी पहने हुए, चश्मे लगे, छोटे छोटे दाढ़ी वाले। इधर नहीं आए। नहीं मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कुछ करो। क्या कहना?
मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम डैडी जी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ हाँ बेटा, आप चिंता मत कीजिए, चलते ढूंढ के लाके आओ आप। जी 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 जी, बस मम्मा हम सब संभाल लेंगे, कुछ नहीं हो। मिस्टर मेहरा का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? जनाब हमने पंचकुले का चप्पा चप्पा छान मारा पर उनका कोई सुराग ना मिला। पर जनाब आप टेंशन ना लो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। कहाँ है डैड आप? कहाँ है? गल कहूं मैडम जी, बड़ा चंगा लगता है थोड़ी उम्र के लोगों को रोमांस करते देखते हुए। एक मेरी बीवी है बुढ़िया गई है, बस बच्चे दे दो और पैसे और किसी चीज की लोड़ नहीं है उसनु। अपनी ना बकवास बंद करो, जितना कहा गया है उतना करो और सामने देख के चुपचाप से गाड़ी चलाओ, समझे? समझने की कोशिश कीजिए मॉम। मैंने बोल दिया ना कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो तेरे पापा को साथ लेकर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। लेकिन मम्मा एक बात तो अब अनु, अगर मम्मी जी दिल्ली वापस नहीं जाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पंचकुला में ही रुकते हैं और यहाँ ठहरने का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, हमें इन्वेस्टिगेशन में भी आसानी होगी। जनाब, यस जनाब, फोटोग्राफ पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं एंड आई एम वेरी श्योर हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। अच्छा जनाब, वो ड्राइवर का क्या करें? मम्मी जी ने जो बताया उस हिसाब से तो वो सच ही बोल रहा है, तो जान दे जनाब, लेकिन नजर रखो उस पर। जी जनाब। और जब तक डैडी जी नहीं मिल जाते उसे पंचकुला से बाहर जाने की इजाजत मत देना। जी जनाब। चले मम्मी जी के कमरे की लाइट अभी तक ऑन है, मुझे लगता है वो जग रही हैं। ऋषि ऐसे ही चलता रहना तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। सही बोल रहे हो, चलो चल के देखते हैं। तू भैया तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू कर क्या रहा है यहाँ पे? भैया पागल हो गए तुम लोग, क्या है ये सब, ये कर क्या रहा है यहां पे? आई डोंट बिलीव दिस मॉम, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये यहां पे आ रहा है?
आप मिल रही है इससे? आप जानती है ना इसने हमारे परिवार के साथ क्या किया है? ऋषि बेटा, इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं है। अगर है तो तेरा भाई ना। भाई? कब पाए वो भाई के नाम पे? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इसे पता कैसे चला के? सिनांका? हेलो। हाँ ऋषि। नमस्ते अंकल। मैं बहुत देर से मिस्टर मेहरा का नंबर मिला रहा हूँ। उनका फोन बंद आ रहा है, इसलिए मजबूरन तुम्हें कॉल करना पड़ा। अरे पूछिए मत अंकल, पापा कल से गायब है। गायब है मतलब? मतलब पूछिए मत अंकल, बहुत लंबी कहानी है। आप बताइए, कोई जरूरी काम था क्या? बेटे जरूरी तो बहुत था, मगर जो खबर तुमने मुझे बताई है उसके बाद तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? हम पंचकुला में अंकल, होटल मोदी। ठीक है बेटे, तुम वही मेरा वेट करना, मैं तुमसे मिलने वही आ रहा हूँ। आप आइए अंकल। इतना सब कुछ होने के बाद भी मम्मा का ध्रुव के लिए प्यार देख के आई एम जस्ट शॉक्ड। इस बार तो हद ही हो गई। मॉम भी ना माँ का दिल है ऋषि, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रात काफी हो चुकी है, हम लोग सोने चलते हैं। हाँ तुम लोग अपनी हालत तो देखो, आई गेस तुम दोनों को अब सो जाना चाहिए। या मुझे भी कुछ ऑफिशियल कॉल्स करने हैं, सो यू गाइस टेक सम रेस्ट। ऋषि जी चलिए। ये बात तुम नहीं आ रही? अब नहीं ऋषि, मुझे ना घुटन सी हो रही है, मैं थोड़ी देर तक आऊं। ओके आ रही कभी? आप चलो मैं आती हूँ। अपना ध्यान रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा कहाँ? मिस्टर मेहरा को आखिरी बार उस औरत के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। कौन थी औरत और मिस्टर मेहरा के इन बदले हुए तेवरों का राज क्या था और ध्रुव इस सब का हिस्सा कैसे बना? यह कहानी धीरे धीरे और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। अभी इस कहानी की ऐसी बहुत सी कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए सावधान इंडिया की इस नई सीरीज एक किस्सा पांच हिस्से में। तो सावधान।